जनपद बहराइच के विकास खंड शिवपुर स्थित पिपरिया चौराहे से मारनपुरवा होते हुए नवाब बांगला अरनवा डल्लापुरवा चौकसाहार तक लगभग 20,000 की आबादी के आने जाने वाले कच्चे संपर्क मार्ग पर ग्रामीणों ने शुक्रवार को स्वयं की लागत व श्रमदान देकर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य किया। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बताया कि ये कच्चा मार्ग हम सभी के लिए अत्यंत दुखदायी है। बारिश में तो हम लोग निकल ही नहीं सकते, वहीं किसी गंभीर व विषम परिस्थिति में चौपहिया वाहन अथवा एम्बुलेंस को यहां तक आना असंभव है। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। यदि गंभीर परिस्थितियां बनती हैं तो कैसे आना जाना होता है? बहुत समस्या होती, जाना सड़क बंद हो जाता, मार्ग आने जाना। एम्बुलेंस पहुंच सकती है? नहीं पहुंच फिर यदि कोई इस तरीके की आकस्मिक दुर्घटना हो या इस तरीके का बीमार होता है तो फिर क्या करते हैं? बड़ी समस्या है, कोई उपाय नहीं आने जाने का। मर जाते बस नदी के दाते पहुँचाए दिन जाते, आने जाने का मार्ग सुगम नहीं है, कुछ चुनाव जिस कारण से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन से मांग कर रहे हैं कि सड़क जल्द से जल्द बनाई जाए। यदि शासन ने संज्ञान नहीं लिया तो फिर आगे क्या कदम होगा? हम लोग प्रदर्शन फिर करेंगे। कहाँ पर? जिले पर करेंगे। जिले पर प्रदर्शन करेंगे। बंद है और जो हम लोग उनसे रास्ता नहीं ले रहे, 25,000 वोटर वोट नहीं डाले जाएंगे। जब तो कोई सुनने नहीं रहा तो क्या फायदा? वो बहुत कठिन होता है, अगर एक दिन बारिश हो जाए तो लगभग 3 या 4 दिन स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल नहीं जा पाते, इसके अलावा पहुंचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है क्या? नहीं है, एकमात्र मार्ग है जी। तो बरसात के महीनों में कितने दिन विद्यालय जा पाते हो? वही एक महीने में 5-6 बार बस। 5-6 बार सिर्फ जा पाते हो जी। रास्ता कीचड़ भरा है इसलिए जी, सबसे बड़ी परेशानी का जी यही सबब बना। कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं इस क्षेत्र से? इस क्षेत्र से कम 1200 लड़के 1200 लड़के पढ़ने जाते हैं जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।